हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुमित कटारिया। तो भाई आज हमारे पास आई है अर्बन का यह है जो मॉडल है, ये आप देख रहे हो स्कूटर टाइप मॉडल है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसकी जो प्रॉब्लम है भाई बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमन इसलिए बोल रहा हूँ भाई, हर इलेक्ट्रिक स्कूटी में होती है, चाहे आप हीरो की देख लो, चाहे कोई भी नॉर्मल जितनी भी कंपनी आए, चाहे अर्बन हो ये चाइनीज वाइनीज जिसमें भी हो, भाई हर स्कूटी में प्रॉब्लम आती है। अब इसका जैसे हमने स्विच ऑन किया भाई, आपके साथ भी आ रही होगी, आप ये देख रहे हो भाई ये रेस का मतलब एक अजीब सा निशान आ रहा है। भाई ये अजीब सा निशान नहीं है, यह है आपका एक्सीलेटर का निशान है। एक्सीलेटर बोलते हैं, थ्रोटल बोलते हैं, या जो भी बोलते थे आपकी भाषा में। तो भाई यह है एक्सीलेटर का। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो ये आता है आपकी स्कूटी चलेगी इसमें नो प्रॉब्लम। अभी मैं दिखा दूंगा इस आपको एक बार, जैसे आप इसका एक्सीलेट करोगे तो आपकी स्कूटी तो चलेगी। इसको हटा देते हैं, पार्किंग का मोड, ये देखिए आपकी स्कूटी चल रही है और ये चलती रहेगी, ये देखिए ये रुकेगी नहीं। तो भाई इससे क्या होता है, गाड़ी ऑटोमेटिक चलती रहती है हल्की हल्की स्पीड में। इससे आपकी बैटरी भी खर्च होगी, चाहे आपने मेन स्टैंड पे लगा दी, अगर आपकी वैसे भी खड़ी हुई है स्कूटी तो भाई ये चलेगी। देख लो 15 की स्पीड से एक्सीलेटर की वजह से ये चल रही है। कहने का मतलब है भाई, अपना आप ही अगर स्कूटी खुद से चल रही है तो समझ जाओ भाई इसका एक्सीलेटर खराब है। आपका कोई भी मैकेनिक बेवकूफ ना बना पाए, तो भाई यही बात मैं आपको बताने के लिए आज आपके सामने थ्रोटल फिटिंग करेंगे और इसकी क्या कॉस्ट आएगी, इसको किस तरीके से लगाएंगे। और ये भाई जो भी इस टाइप के मॉडल है ना, चकोर लाइट के आप जो देख रहे हो, ये इस टाइप के जितने भी मॉडल है भाई, सबके सब में सेम थ्रोटल लगता है। सेम थ्रोटल से मतलब है, चाहे इसकी वायरिंग भी, अब देखते हैं किस टाइप से लगेगा ये थ्रोटल, आपके सामने खोल के देखते हैं। तो सबसे पहले इसके खोलने की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, यहाँ से इसके नट बोल्ट वगैरह जो भी है, ये हिस्सा खोलने के लिए आपको ये इसका माथा खोलना पड़ेगा सामने वाला। तो अभी फिलहाल इसको खोल के देखते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा खोलने के बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो गाइज इसके पेच वगैरह हमने अभी सभी खोल दिए हैं और इसकी खोलने की प्रक्रिया अभी यहाँ पर लॉक होते हैं। आप भी कभी अगर अपने घर भी खोले तो आप इस चीज़ का मेन ध्यान रखिए, ये लॉक होते हैं तो उसको पेचकस से हटाना पड़ता है। अगर आप इस ज़बरदस्ती खोलोगे तो भाई टूटने के जो चांस है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो भाई ये थ्रोटल है ना, ये आपका ये होता है ये वाला, इसका ये एक्सीलेटर जो आप देख रहे हो ना, ये वाली इसकी वायर होती है यहाँ पर। अभी जो भैया स्कूटी ठीक कर रहे हैं आपको दिखाएंगे, और कोई भी भाई, और देखिए मैं आपको बता रहा था ना जैसे वो खुल जाएगा ना, ये ख़राब होने का मेन रीज़न क्या है, इसमें चाल, इसमें इतनी ज़्यादा चाल आ चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको अंदर को दबाओगे ना तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी ना वो ठीक रहेगा, अगर आप जैसे ही बार खींचोगे और आपका मीटर में साइन भी आ जाएगा और ये आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलेगी भी नहीं। तो भाई अभी ये स्कूटी का जो अगला हिस्सा है वो खुल चुका है, और भाई खुलने के बाद ना ये जो है ना आपका ये है एक्सीलेटर का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है भाई, ये मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई इस टाइप के मॉडल ना मार्केट में भरे पड़े हैं। आप कोई सी भी कंपनी में ले लो, मंत्रा में ले लो, अर्बन में ले लो, ओकाया, मतलब इतनी सारी कंपनियां हैं, जाइलो हो गया और भी डेकस हो गया और भाई तुम्हारा जीवा हो गया, तो सभी इलेक्ट्रिक स्कूटियों में इस टाइप के मॉडल मिल जाएंगे और भाई वायरिंग भी लगभग सेम है। लेकिन भाई कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, कंपनी वाले इस टाइप के ना ये एक्सीलेटर जो आप अगर बाज़ार से लोगे ना तो भाई समस्या ये आती है भाई, इस टाइप के सॉकेट नहीं मिल पाते। जैसे अभी हम थ्रोटल हमारे पास है तो इसमें क्या है गाइस, ये वाला एक्सीलेटर इसमें डलेगा, ठीक है ये इसकी जगह। तो भाई एक्सीलेटर तो लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चक्कर क्या है, ये वाला इसमें कपलर ना तीन अलग है, अब अलग के लिए क्या सोल्यूशन होगा आप खुद बताइए। और इसमें तो ये वाला कपलर था, ये वाला, और ये देखिए इसमें तो ये वाला कपलर था, अब इसमें है अलग, अब इनमें क्या करेंगे गाइस हम, अब इनको ना वायर मजबूरी है भाई, क्या करें, कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। अब इसकी जो वो है ना वायर, ये तीनों काट देंगे, इसकी वायर काटने के बाद क्या होगा गाइस, इसमें ये काट देंगे, इसके बाद ये जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जुड़ेगा, ये जो वायर से वायर होती है भाई, जैसे येलो से येलो, वाइट से वाइट, रेड से रेड, ग्रीन से ग्रीन, ये सारी मैच होने के बाद आपका एक्सीलेटर लग जाएगा। अब इसमें कोई और उपाय भी तो नहीं है ना भाई, जो इस सीधा सॉकेट आ जाए, क्योंकि भाई कई मार्केट में इतने सारे मॉडल हो रखे हैं भाई, कंपनी वाले खुद भी कन्फ्यूज है क्या करें क्या ना करें। तो भाई अभी तो इसका काटना ही पड़ेंगे, तो काटने की प्रक्रिया चालू करते हैं।
तो गाइस अभी इसके कपलर तो नहीं मिले, जैसा मैं आपको बता रहा था तार काटनी पड़ेगी। तो भाई अभी पुराने वाले थ्रोटल की तार काटने के लिए राजू जी आ चुके हैं, जंग से जीत के ये काट दी इन्होंने। काट दे भाई, 1 2 3 हाथ कांप रहे हैं हाथ काटते। तो भाई अब ये दिखा, अब ये वाला जो सॉकेट है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसकी तार छीलनी पड़ेगी और इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। राजू भाई अब दिखाओ, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको सहूलियत होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है भाई इस टाइप के बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं, चाहे कोई भी कंपनी का हो। राजू भाई से फिटिंग करना सीख लो। है तेरी अब तो स्मार्ट सा क्यों हो रहा तो आज आज राजू भाई सासू के गए थे स्मार्ट से बने। तो गाइस अभी ये वायर कट चुकी है, और वायर कटने के बाद जो मैंने आपको बताया था ना, ये राजू थ्रोटल इसका सिस्टम। राजू एक मिनट इधर आ भाई, और ये बता जो वायर लगाई है येलो येलो में किस तरीके से वायर फिटिंग कर सकते हैं। देखो ये देखिए गाइस, राजू को देखना आप, जैसे ये जो कलर भाई से ओके वाइट वाइट में लगी, ग्रीन ग्रीन में और रेड रेड में, ऐसे करके अपना ये लगा इस टाइप से काट सॉकेट यही चल गया। और सॉकेट जो हमारा चलाया ना भाई, वो पुराने थ्रोटल का ही चलाया, जैसे हमने पुराने थ्रोटल का सॉकेट काट लिया था ना ये वाला, तो इसका सॉकेट तो हमने यही लगा दिया, और हमने नए वाला सॉकेट जो होता है थ्रोटल इसका आगे से वायर कट कर दी, जिसके कपलर आप यहाँ पर ये देख सकते हो। ये देखिए गाइस, हमने नए वाले थ्रोटल का आगे से ये काट के वायर वगैरह काट के और वाइट वाइट में करके ब्राउन ब्राउन में, ब्लू ब्लू और येलो येलो। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और करने के बाद आपको एक और काम करना है भाई, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो आपका काम है वो है आपका टेप लगाना। भाई टेप लगाना ना भूले, अगर आपने टेप वगैरह वायर वगैरह लूज छोड़ दी ना, तो भाई ये आपका स्पार्क हो सकते हैं कनेक्शन वगैरह। तो अभी मैं आपको जो प्रॉब्लम बता रहा था ना, एक थ्रोटल का निशान आ रहा था और जो अपना आप ही गाड़ी चल रही थी उस तरीके से। राजू भाई सबसे पहले एक बार गाड़ी ऑन करके दिखाओ। ये देखिए गाइस, अब इसमें कोई भी आपको यहाँ पर पहले जो एक्सीलेटर का निशान आ रहा था ना, जो आप देख सकते हो, तो इस टाइप का आप कोई भी निशान नहीं आ रहा। और जैसे अभी स्टार्ट करूँगा मैं, गाड़ी आपकी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ से ये गियर भी चेंज हो जाएंगे और ये आपकी स्कूटी चलेगी भी। तो और जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ूंगा, राजू हाथ मत लगाना, पहले क्या हो रहा था गाइस, ये पहिया है जो ऑटोमेटिक घूम रहा था, इसका व्हील अब ये रुक गया, और आप इसके मीटर में भी लाइट देख सकते हो। देखिए गाइस, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, और अभी ये पहिया भी आपका रुक चुका है। तो भाई सीधा सीधा इसकी ये प्रॉब्लम थी थ्रोटल की, इसका थ्रोटल चेंज कर दिया है, इस साइड का भी ये कंप्लीट सेट ही आता है। और इसका प्राइस मार्केट में भाई अलग अलग है, मतलब कहने की बात यह है, अगर आप ई रिक्शा वगैरह का, तो मेरी आपने वीडियो देखी होगी, वो तो बेकार था, लेकिन अगर आप इस सेट का लेते हो, इस टाइप का एक कंपनी का थ्रोटल लेते हो, लगभग आप मान के चलो 400 से 500 के बीच में इसका खर्चा आएगा, क्योंकि भाई आपको पता है ये चाइनीज़ मॉडल है और चाइनीज़ सामान जो है महंगा आता है और मिलता भी नहीं, सबसे मेन बात यह है। और अगर मिल गया तो भाई लगना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया वायर वगैरह कटिंग वगैरह करके उस टाइप से लगाना पड़ता है। तो भाई अभी ये वाली साइड तो लगा दी, अब बहुत से लोग सोचते हैं भाई इस साइड का तो चलो ठीक है, आपने बता दिया वायर वगैरह कटिंग करके इस तरीके से लग गया, लेकिन गाइस दूसरी साइड का अगर ये खोलना हो तो किस साइड से लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए ना। तो वो वाली प्रक्रिया अभी आपको राजू भाई बताएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर बोल्ट वगैरह है शायद, इसलिए खुले ना, क्यों राजू? यहाँ पर ये एल की वाला, यहाँ पर देखो ब्रेक वाला पेच है, ये वाला आप लूज करो, ये वाला देखो, इसको खोल लो, इसको खोलने के बाद ये इजीली बाहर आ जाएगा। बिल्कुल राजू ने लूज कर दिया, अब राजू भाई इसको खींचेंगे और अभी नहीं निकलेगा, मतलब थोड़ा टाइट होता है ना, टाइट होता है, हाँ खींच तो, देख क्यों रहा था तू? ये देखो भाई राजू का तरीका चला दिया, भाई राजू की जान बहुत है इसके गात में, वाह भाई वाह, ये देख लो भाई इजी आसानी से तो निकल रहा भाई, ऐसा थोड़ा तू इतनी मेहनत से निकाल रहा है वो करके, क्यों राजू? और ये वाला जो एलकी का बोल्ट है ना, मैं ये सोच रहा था गाइस ये वाला ये एलकी से खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आसानी से खुल जाता है। अब इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है राजू भाई, वो भी बता दूँ। ये देखिए गाइस, ये इसके अंदर गया और गया, और ये राजू भाई ने लगा दिया। अब ये दोनों जो ग्रिप है ये एक साथ की होगी,
और भाई मैंने इसको बता दिया आपको मार्केट में 400 से 500 रुपए के बीच में मिल जाएगा, जिसके मीटर में एक्सीलेटर का निशान आ रहा है और थ्रोटल अपने घर पे भी चेंज कर सकते हैं एजेंसी वगैरह से लाके। तो गाइज इस तरीके की अगर आपको और वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर लो। ठीक है गाइज, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।